गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर 8 तितली और कली इस पाठ का हम लोग रीडिंग करेंगे, इस पाठ को पढ़ेंगे। तितली आप लोग देखे हैं तितली को? यस मैम। आप लोगों ने कली देखा है? कली कैसा होता है बताइए सर। बहुत सुंदर होता है ना। तो वैसे ही इस पाठ में जो तितली है ये कली के बारे में, कली के लिए क्या उसकी तारीफ कर रही है, क्या कर रही है, कली की तारीफ कर रही है। अब हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी जानेंगे। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। तितली क्या बोलती है? हरी डाल पर, हरी डाल मतलब की डाल क्या होती है, पेड़ की जो शाखाएं होती है, पेड़ पौधों की जो शाखाएं होती है उसको हम लोग डाल बोलते हैं। हरी डाल पर, हरी शाखाओं पर एक नन्ही सी सुंदर सी कली लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? कली लगी हुई थी। तितली उससे आकर क्या बोलती है कि तुम लगती हो बड़ी भली, तुम बहुत सुंदर लगती हो, तुम बहुत अच्छी लगती हो, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। तितली क्या बोलती है कि कली अब तुम अपनी आंखें खोलो और हमारे संग, या हम संग का अर्थ क्या होता है, साथ। संग का अर्थ क्या होता है? साथ। कली तितली क्या बोलती है? अब तुम जग जाओ, अपनी आंखें खोलो और हमारे साथ खेलो। फिर खेलने से क्या होगी? जब कली जग जाएगी, अपने आंखें खोलेगी, तो जो उसकी सुंदर महक है, उसकी अच्छी महक है, वो सारी गलियों में, सारे रास्ते हैं, गली गली, मतलब यहाँ पे क्या दिया, गली गली, मतलब कि सारी जगह उस कली की महक, उस फूल की महक फैलेगी। कली सुनकर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के गली भाग लगी भाग में, तितली छूने उसे चली। डियर चिल्ड्रन, कली छिटककर खिली रंगीली, खेल की बात सुनते ही कली छिटककर, छिटक का अर्थ क्या होता है, खिलकर, छिटक का अर्थ क्या होता है, खिलकर, कली खिलकर रंगीली, रंगीली का अर्थ होता है रंगों से भरी। जो कलियां होती हैं आपको पता है, आपने देखा होगा कि कई रंगों की कलियां होती हैं। जो फूल के रंग होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, तो जो कली थी वो छिटक कर खिलकर, रंगों से भरी हुई कली खिलकर, क्या बात सुन करके, खेल की बात सुन करके कली अपने रंगों के साथ खिलकर साथ हवा के लगी भागने, वो जो है खेल का नाम सुनते ही फैलकर खिल उठी। यह देखकर तितली, जो तितली है वो ये देख करके, कली को खिलता हुआ देख करके उसे छूने के लिए तत्परी, उसकी इच्छा क्या हुई कि मैं तितली कली को छू लूं। तो
इस पाठ में बच्चों आपको क्या पता चला कि जो तितली है वो कली से क्या बोलती है कि तुम नन्ही सी छोटी सी कली बहुत ही सुंदर लग रही हो, अब अपनी आंखें खोलो, जागो और हमारे साथ खेलो। खेलने का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है कि खेलने से यहाँ मतलब है कि तुम खेलकर तुम हमारे साथ खेलो, जिससे कि तुम्हारी जो खुशबू है, तुम्हारी जो महक है वो सारी गलियों में फैलेंगी। तो ये खेलने की बात सुनकर कली खिल उठती है और कली को खिलता हुआ देखकर तितली का मन उसे छूने का करता है। इस कविता को किसने लिखा था? शोभा देवी मिश्र ने लिखा था। ने कली और तितली की जो बातचीत हुई थी उसके बारे में इस कविता में बताया। Now dear children, write the word meaning in your
Have you completed? Now have you completed all of you? Done, yes, ma'am. Okay. In next class, we will do the second part of this lesson. Okay, bye, ma'am. Bye, ma'am.